मथुरा के मसानी दिल्ली लिंक रोड पर बिजली घर के समीप गंदे नाले में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरा काबू पाया। हालांकि आग से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल मसानी रोड पर एक गंदा नाला है, जिसमें अचानक लोगों ने धुआं उठता देखा। थोड़ी देर बाद धुएं ने विकराल आग का रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली की तार पुलिया के नीचे होकर जा रहे हैं, उसकी वजह से नाला साफ नहीं हो पाता है, जिसके चलते उसके नीचे कूड़ा जमा हो गया है और नगर निगम भी इसकी सफाई नहीं करता है, जिसके चलते इसमें अचानक आग लग गई। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान ढाबे वाले है। कि आज अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि पता नहीं कौन वहाँ से आग लगा दिया था किसी थर्माकोल में, केबल लगी है आग एक मिनट, और केबल से आग लग गई हमारे अंदाज से। अब उसके बाद में ये जो 33,000 वाला जो केबल लगी है, इससे मतलब पूरा जो भी आता है सब यहीं पर रुक जाता है, पानी बह जाता है और इस वजह से पूरा ढेर लगा है। तो इसमें क्या माना जाए कि बिजली विभाग की कमी है? और बिजली विभाग की यही कमी है, जो 33,000 वाला बोल्ट जो पानी में हमेशा रहता है, नाला जब भर के चलता है तो पानी में रहता है, तो ये इससे भी कभी भी दुर्घटना हो सकता है ज्यादा। अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम क्या सफाई नहीं करता यहाँ? नगर निगम ने अभी तक न यहाँ पर सफाई नहीं किया है। और अगर ये आग और बढ़ जाती तो यह होटल का भी नुकसान होता, पुलिया भी कमजोर हो जाएगा आग लगने से। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची है? फायर ब्रिगेड तो कम से कम 15-20 मिनट में आ गया है। मुझे बताएं आग लगी है, किस जगह लगी और क्या कारण माना जा रहा है? ये जो है मसानी चौराहे से जो गोकुल रेस्टोरेंट की तरफ आते हैं, ड्यूक पैलेस की तरफ रास्ता है, ये जो बड़ा नाला है रेलवे लाइन से आगे, पहले पुलिस पंचवटी नाला है, इसके पास में बड़ा नाला है, इसके नीचे जो है आगे पीछे भयंकर आग लगी हुई है, कूड़ा है। ये जो है नगर निगम ने सफाई नहीं कर पाई या कूड़ा इसमें पड़ा हुआ है, उसमें कूड़े में भयंकर आग लगी हुई है। आसपास की जनता के घरों में ये धुआं भयंकर भर रहा है, जनता जो है दुखी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है धुआं से। क्या माने कारण? क्या माने कारण माने? किसी या तो किसी आदमी ने जो बीड़ी बीड़ी पी के इसमें डाल, इतना तो नहीं लगेगा ना सर। हाँ, नाला है तो पानी, इसके नीचे बताया जा रहा है कि बिजली के वायर है, तो शॉर्ट सर्किट भी माना जा सकता है? ना, बिजली शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, क्योंकि केबल जो अंदर ऊपर पाइप लगा हुआ है, केबलों के अंदर ऊपर पाइप है, शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लग सकती है। अच्छा, कहते हैं कि जनता कहती है कि साड़ियों से निकलने वाला जो केमिकल आता है उसके कारण भी, हाँ उसमें कारण भी लग सकती है, केमिकल के कारण भी आग लग सकती है। एक कूड़ा है इसमें, बड़ा धुआं निकल रहा है, देखो इसके नीचे है चौड़ा नाला है, इसके बुझाने में दिक्कत हो रही है। दो गाड़ी हमारी डाल चुके हैं, तीसरी गाड़ी भर के ला रहे हैं, जिससे कोई असुविधा ना हो। मौके पर सूचना देने के बावजूद भी गाड़ी आपकी काफी देर से पहुंची? नहीं, चक्कर ये है कि छोटी गाड़ी जो आती है, रेलवे का पुल है जो जन्मभूमि पे, वो बड़ा छोटा है, गाड़ियां ऊंची हैं, इस कारण हमारी बड़ी गाड़ी निकल नहीं पाती है। छोटी गाड़ी हमारी ड्यूटी जा चुकी है, माघ मेला में है, तो बड़ी गाड़ी से निकलना मुश्किल है। अगर शहर की तरफ से लाते हैं तो बहुत जाम रहता है। आग पे काबू पा लिया गया? हाँ, आग नियंत्रण में, और थोड़ी सी बची है, जेसीबी को बुलाया उसको बाहर निकाल के उसमें थोड़ा पानी डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।